इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग टू मीट मनोज दे, बट वाई वो जानने के लिए आप लोग को व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। इन दिस व्लॉग वी आर गोइंग टू मीट मनोज दे, बट वाई वो जानने के लिए आप लोग को व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। पर उससे भी पहले मीट हमारे इस ब्लॉग के कैरेक्टर से, जो सबसे पहले ये हूँ मैं, जो कभी टाइम पे नहीं आता, क्योंकि टाइम पे आने वाले चले जाते हैं, जिनको कुछ आता नहीं वो हमको समझाते हैं। और अगर मैं गलती से टाइम पे पहुंच जाऊँ तो फिर मेरे दोस्त लेट करने में अल्ट्रा प्रो मैक्स ग्रुप का सबसे लेट करने वाला लगा गाइस मैं हूँ, लेकिन मुझसे भी ज्यादा लेट करने वाला एक है तो अब है, अभी तक आया ही नहीं और ट्रेन खुलने का टाइम भी हो गया। उसके बाद ये है सुभानी, जिसके वजह से हम मनोज से मिलने जा रहे हैं। नहीं होगा खुल गया क्या रहे? और ये है अभय, जिसके वजह से हमारी ट्रेन छूटते छूटते बच गई। ट्रेन खुलते खुलते लेकिन पहुंच गया, नहीं तो छूटा था ये। अभी गाइस हम लोग धनबाद किस लिए जा रहे हैं, वो धनबाद पहुंच करके आप लोगों को बताता हूं। सुबह आने में लेकिन धनबाद अच्छा फील होता है, थोड़ा सा ज़्यादा धूप ना पॉल्यूशन मस्त। तो गाइज अभी हम लोग आए हैं धनबाद, अब बताता हूँ किस लिए। एक्चुअली सुभानी गाइज इसे जो देख रहे हैं आप, इसने अभी अपना एक न्यू चैनल बनाया हुआ है टेक का, लेकिन गाइज कल अचानक से इसका फॉलोवर्स गाइज बढ़ चुका है, लेकिन इसका गाइज सब्सक्राइबर्स बढ़ने की वजह से ये बहुत डर चुका है गाइज। इसलिए गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मनोज दे के पास, देखते हैं गाइस जाकर के अगर हमें मिल सके तो। पर वो कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ वाला सीन, वो हम पे थोड़ी बहुत लागू भी होती है, क्योंकि व्हेनेवर वी गो एनीवेयर वी डू नॉट मेक एनी प्लान, ओनली वी टॉक एंड वी आर रेडी टू गो, जिसके वजह से हमें रास्ते में सर्च करना पड़ता है हमारे डेस्टिनेशन के बारे में। सही जा रहे हैं ना हम लोग, भटकेंगे नहीं ना, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। हम लोग ले चुके हैं कुसमा टार के लिए ऑटो, हमें पता नहीं एग्जैक्ट गाइस लोकेशन कहां पे है, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं गाइस हम लोग। एड्रेस देखो गाइस कैसे हम लोग बता रहे हैं ऑटो वाले भैया को, वीडियो दिखा करके बताना पड़ रहा है एड्रेस। फिर झरिया पहुंचने के बाद सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। अब झरिया बाटा मोड़ से हम जा रहे हैं बलियापुर थाना की ओर, वो भी इस 90s के टेकर में। एंड गेस व्हाट, ये भी खराब निकली हमारी किस्मत की तरह। हम किसी काम से या कहीं घूमने जाए और हमारे साथ कोई स्ट्रेटजी ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एंड अभी रुको, मेन स्ट्रेटजी तो गाइस अभी बाकी है। भाई हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? 2012-14 के बाद इस गाड़ी पे सफर किया हम लोगों ने टैक्सी पे, लेकिन मज़ा आया, पुराने यादें ताज़ा हो गए गाइस। पता नहीं भाई किसका वीडियो देख करके ये लोग उसका घर का एड्रेस निकाल रहा, मुझे नहीं पता, बस मैं गाइस पूरे इस ट्रिप को इंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन जा तो रहे गाइस, पता नहीं मनोज दे वहाँ पर अपने घर में है भी या नहीं। हम लोगों ने मुंह उठा करके सुबह उठ करके मस्त काम करके चल दिए मिलने, लेकिन बहुत इम्बेरस भी फील हो रहा गाइस सच में। देखो क्या होता है, मिलते हम लोग गरीब लोग से किया नहीं, किस लिए हम लोग जा रहे हैं मनोज से मिलने के लिए, कहा बता दे सुबह थोड़ा सा अपने कहानी। सब्सक्राइबर बढ़ गया है भाई, टेंशन हो रहा है। सब लोग खुश होते हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ गया, लेकिन मेरा तो बढ़ गया तो हम गम में। इसको गाइस फुल हो गया है टेंशन कि बिना वीडियो वायरल हुए सब्सक्राइबर्स बढ़ गया, इसलिए गाइस ये कंफर्म करने के लिए आ रहा अपने चैनल को। हम लोग भी गाइस जा रहे हैं साथ में ही, पहुंच गए गाइस आगे मेरा मनोज दे का घर। ये रहा गाइस ज्योति श्री महतो का घर, इससे आगे में मनोज दे का घर है, मनोज दे भैया बोलेंगे गाइस क्योंकि हमसे बड़े हैं वो। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मनोज दे के घर के पास में। दिखा दे ये रहा मनोज दे 23 टाटा हैरियर। तो गाइस हम लोग सिर्फ बाहर में वेट कर रहे हैं मनोज भैया का निकलने का, क्योंकि गाइस हम लोग किसी का प्राइवेसी खराब नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं गाइस, देखते हैं अगर निकलेंगे तो फिर हम लोग मिलेंगे। पर जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारी किस्मत इतनी भी अच्छी कहाँ, वी वेंट टू मीट मनोज दे बट वी कुड नॉट मीट, वो किसी इवेंट के लिए बाहर गए हुए थे, जो जानकर हमें बुरा तो लगा पर सबसे ज्यादा इस भाई के लिए जो बिहार से आए हुए, वो भी साइकिल से, और ये साइकिल से चारों धाम की यात्रा भी कर रहे हैं, जान करके हम भी हैरान हुए सेम आपके जैसे। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर उससे बात की, थोड़े से फोटो वगैरह भी ली और फिर हम लोग निकल गए झरिया खेलने। आज हम लोग आ चुके हैं मनोज भैया के घर से, हम लोग आज नहीं मिल सके क्योंकि थे ही नहीं, जा रहे हैं आपके झरिया, फिर झरिया से धनबाद जाएंगे।
हम लोग गाइस मोनस जैसे उतना नहीं मिल सके, लेकिन थोड़ा सा झरिया घूम लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास भी तो करना गाइस ट्रेन का टाइम होने तक। झरिया पहुंचने के बाद हम गए पुराने जमाने का महल देखने के लिए। आर्किटेक्चर, लेकिन अंदर जाके शूट उट करना बिल्कुल मना है, कैमरा वगैरह सब लगा हुआ, इसलिए बाहर से गाइस हम लोगों ने शूट किया और फिर हम गाइस वहाँ से चले गए धनबाद स्टेशन के लिए। हम लोग घूम घूम के आ चुके हैं, अब ट्रेन का वेट कर रहे हैं घर जाने के लिए। चलो गाइस अब हमारी भी ट्रेन आ चुकी है। हम लोग आ चुके हैं मनोज से मिल करके, झरिया घूम करके, एंड बस आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही। और अगर गाइस किसी के मन में थोड़ी सी भी ये डाउट आया हो कि इस ब्लॉग में खास क्या था, तो मैं उन लोगों को बता दूं, इस ब्लॉग में खास को तो नहीं पता, पर इस ब्लॉग में गाइस कोशिश जरूर थी एक स्टोरी टेलिंग ब्लॉग बनाने की, जो मुझे नहीं पता कैसा बना, आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी अगर आप मेरे आगे आने वाले स्टोरी टेलिंग ब्लॉग्स को इम्प्रूव करते हुए देखना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो मेरे चैनल से, जो बिल्कुल फ्री है, बाकी इट्स योर चॉइस। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ब्लॉग है आप लोग को पसंद आई हो, और अगर आप लोग थोड़ी सी भी पसंद आई तो इस ब्लॉग को एक लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाए। सो यार गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, तो मिलते किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, और हाँ हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और दूसरों को भी हंसाते रहे। चलो बाय।